एक ही बार खाली लौकी जो एक के बांस में निकाल दू तो हर लका लका। दोस्तों और आप लोगों ने गुल्ली बुली और सरापी डॉल का पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि सॉन को एक डॉल सड़क पर गिरी हुई मिलती है। सॉन उसे अपने घर लाकर खेलने लगता है, लेकिन गुल्ली सॉन से गुस्सा होकर उस डॉल को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे गुस्सा होकर वो सरापी डॉल गुल्ली के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसे घर से बाहर लाकर छत से उल्टा लटका देती है। और अब आगे देखिए। बचाओ गुल्ली। बुल्ली बोलता, सॉन ये डॉल तो एक सरापी डॉल है। सॉन बोलता, हाँ बुल्ली, हमें जल्दी से उसे बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये सरापी डॉल गुल्ली को मार डालेगी। बुल्ली उस सरापी डॉल को बोलती है, गुल्ली को छोड़ दो, आखिरकार गुल्ली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो डॉल अजीब तरीके से हंसने लगती है। सॉन बोलता, गुल्ली को छोड़ दो, वो हमारा प्यारा दोस्त है। वो सरापी डॉल बोलती है, अगर तुम बोलती हो तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। ये सुनकर सॉन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर वो डॉल गुल्ली को ऊपर से नीचे छोड़ देती है। ये देखकर सॉन और बुल्ली गुल्ली के पास दौड़कर जाते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली के सर से तो काफी ज्यादा खून बह रहा है। ये देखकर बुल्ली और सॉन काफी परेशान हो जाते हैं। बुल्ली बोलता, हमें गुल्ली को किसी अच्छे अस्पताल में जल्दी से ले जाना पड़ेगा। सॉन बोलता, रुको अभी मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। और ये सब नजारा ये सरापी डॉल छत के ऊपर बैठकर देख रही होती है। और इधर बुल्ली और सॉन गुल्ली को उठाकर गाड़ी में रखते हैं। बुल्ली बोलता, सॉन जितनी जल्दी हो सके गुल्ली को हमें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, देखो गुल्ली का काफी ज्यादा खून निकल चुका है। सॉन बोलता, बुल्ली तुम इसकी चिंता मत करो, देखो अभी मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ। और फिर सॉन और बुल्ली भी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और सॉन गाड़ी को वहाँ से तेजी में भगाता है। लेकिन आखिरकार अब ये सरापी डॉल कहाँ चली गई। बुल्ली बोलता, सॉन गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, हमें गुल्ली को हॉस्पिटल लेकर जाना है, कब्रिस्तान नहीं। तभी गुल्ली के अंदर वही सरापी डॉल की आत्मा आ जाती है। गुल्ली उठता है और सॉन को ही घूरने लगता है। तभी गुल्ली के बगल में महुआ की बोतल दिखती है। गुल्ली उस महुआ के बोतल को लेकर महुआ पीने लगता है। लेकिन अब लगता है कि महुआ पीकर गुल्ली और भी पागल हो चुका है। तभी सॉन बोलता है, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ पे काम चल रहा है, ये निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। सॉन गुल्ली को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और इससे पहले कि सॉन कुछ करता, गुल्ली सॉन को लेकर जंगल में कूद जाता है। ये देखकर बुल्ली तुरंत गाड़ी को वहीं पर रोक देता है। बुल्ली बोलता, आखिरकार गुल्ली सॉन को लेकर कहाँ गया होगा, अब लगता है कि मुझे ही नीचे उतर कर देखना पड़ेगा। बुल्ली जीप से नीचे उतरता है और जंगल की तरफ देखने लगता है। बुल्ली बोलता, यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बुल्ली थोड़ा सा आगे बढ़ता है और सॉन और गुल्ली को आवाज लगाने लगता है, गुल्ली सॉन तुम लोग कहाँ हो। लेकिन जंगल से दोबारा किसी की आवाज नहीं आती। ये देखकर बुल्ली वहीं पर रोने लगता है, लेकिन शायद बुल्ली को पता नहीं है कि अगला शिकार बुल्ली ही है। बुल्ली बोलता है, मुझे जल्दी से जल्दी बाबा को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। और फिर बुल्ली दोबारा जीप में बैठने के लिए चला जाता है। तभी पीछे से बुल्ली को सॉन के चीखने की आवाज आती है, बुल्ली बोलता, ये तो सॉन की आवाज है, मुझे लगता है कि सॉन बहुत बड़े खतरे में है, मुझे सॉन को बचाना चाहिए। और फिर बुल्ली दौड़कर जंगल के अंदर चला जाता है।
बुल्ली बोलता अंदर दूर दूर तक तो कहीं भी सोन दिखा ही नहीं दे रहा। आखिरकार सोन की आवाज किधर से आई थी? बुल्ली बचाओ। बुल्ली दौड़कर आगे भागता है। बुल्ली आगे देखता है कि आगे एक पुराना सा घर है। बुल्ली दौड़कर उस घर के पीछे चला जाता है, जहाँ पर बुल्ली देखता है कि गुल्ली सोन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर बुल्ली को काफी तेज गुस्सा आता है और फिर बुल्ली गुल्ली को एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि गुल्ली दूर जाकर गिरता है। बुल्ली बोलता सोन तुम ठीक हो ना? सोन बोलता मैं ठीक हूँ, पर आखिरकार ये गुल्ली को क्या हुआ है? ये तो हमारी जान का प्यासा हो चुका है। बुल्ली बोलता हमें जल्दी से बाबा की मदद लेनी पड़ेगी। सोन बोलता इससे पहले कि दोबारा गुल्ली को होश आए, हमें जल्दी से बाबा को यहाँ पर लेकर आ जाना चाहिए। बुल्ली बोलता हाँ सोन तुम सही बोल रहे हो, जल्दी से हमें बाबा को यहाँ पर लेकर आना चाहिए, अब जल्दी से मेरे पीछे आओ। और फिर बुल्ली और सोन दोबारा जीप की तरह बढ़ने लगते हैं, लेकिन इधर तो गुल्ली को होश आ चुका है। और आखिरकार अब ये कहाँ जा रहा है? और इधर बुल्ली और सोन जीप के पास पहुँच चुके हैं। सोन बोलता बुल्ली जल्दी से जीप को स्टार्ट करो, इससे पहले कि हम पर कोई और मुसीबत आ जाए। और फिर दोनों जीप में बैठ जाते हैं और बुल्ली जीप को स्टार्ट कर देता है। लेकिन आखिरकार ये जीप आगे क्यों नहीं बढ़ रही, और बढ़ती भी कैसे? बुल्ली ने तो जीप को पीछे से उठा रखा है। तभी गुल्ली जीप को पलट देता है। बुल्ली और सोन जैसे तैसे जीप से बाहर निकलते हैं। ये देखकर गुल्ली हंसने लगता है। बुल्ली बोलता सोन जल्दी यहाँ से भागो, और फिर दोनों दोबारा जंगल के अंदर भाग जाते हैं। बुल्ली बोलता सोन चलो हम लोग सामने वाले घर में जाकर छिप जाते हैं। और फिर बुल्ली और सोन दोनों उस पुराने घर के अंदर चले जाते हैं। और इधर गुल्ली भी पुराने घर के बाहर आकर दरवाजे को पीटने लगता है। सोन बोलता बुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अब ये हम दोनों को छोड़ेगा नहीं। बुल्ली बोलता सोन डरो मत। तभी बुल्ली को वहीं पर एक बांस का डंडा मिलता है और फिर वो डंडा लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं है। सोन बोलता आखिरकार गुल्ली कहाँ चला गया? तभी बुल्ली को कुछ आवाज सुनाई देती है। एक ही बार खाली लौकी जो एक बांस में निकाल दू तो हर लाका लाका। ये श्रापित डॉल बुल्ली और सोन को छिप कर देख रही होती है। तभी अचानक से सोन की आंखें लाल हो जाती है। दोस्तों आखिरकार क्या होगा बुल्ली का? क्या ये स्कैरी डॉल बुल्ली को भी मार डालेगी, या फिर इन लोगों को बचाने के लिए बाबा को आना पड़ेगा? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो का पार्ट 3 में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे अच्छा से कमेंट जरूर कर दें। तब के लिए बाय बाय।